आम आदमी पार्टी देश की पहली एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने नेताओं मंत्रियों को के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए सोचती है। आम जनता के लिए शिक्षा के जो स्कूल हैं सरकारी स्कूल उनको सुदृढ़ बनाने का काम करती है, अच्छे अस्पताल बनाने का काम करती है, जो कि सोनीपत के अंदर सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की बुरी दुर्दशा हो रखी है। कोई भी समर्थक किसी भी पार्टी का समर्थक हो सकता है, प्रशंसक हो सकता है, लेकिन इस बात से इत्तेफाक जरूर रखता होगा वो अगर किसी बच्चा भी बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल सरकारी में नहीं जाएगा, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ पे जो बिजली है उसके ऊपर काम करती है आम आदमी पार्टी, जो महिलाओं के लिए सम्मानजनक राशि जो रखी है उसके पे ऊपर काम कर रही है, जो अपना शहीदों के सम्मान में 1 करोड़ राशि जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने कर रखी है उसके ऊपर काम करेगी। आम आदमी पार्टी को चुनने के लिए आम जनता के पास बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली और पंजाब के अंदर लागू हुई है कि वो आम आदमी पार्टी को क्यों चुने। मैं और दूसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ खड़े हैं, मुझे नहीं पता किसके लिए वो खड़े हैं, कौन प्रत्याशी उनका यहाँ लड़ रहा है। मैं आपको बता चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के 2 प्रत्याशी यहां से लड़ रहे हैं, एक सुरेंद्र पवार और एक निखिल मदान, इनको अपना प्रत्याशी भी उधार लेना पड़ा है। तो यहां टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, इनके पास कैंडिडेट नहीं। आप चाहे देश भर में कहीं घूमें, आईएनडीआईए की असली पोल तो यही पता चलती है। आप कहीं भी घूमें, आईएनडीआईए भाई देखे नहीं, आप आराम से, आईएनडीआईए की तो असली पोल जो है यही पता चलती है। अगले 1.5 मिनट इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी को जी। सबसे पहले मैं सभी भाई साहब ऐसा बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा सर, माफ करिए भाई साहब, एक मिनट, अरे हमारे कहने से, इनके कहने से, उनके कहने से ना तो कैंडिडेट जीतता है ना हारता है। जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी।